Hi guys, welcome back to my channel Be That Diva and good morning. Before I start this video, I want to thank each and every tap on subscribe button to make it 10,000 subscribers. I know it's just the start but I still want to thank you guys for your support. मैं कुछ देर पहले सो के उठी हूँ and बाकी काम की तरह I have my set morning skincare routine. So I thought why not share it with you guys. So आज के वीडियो में मैं आपको morning skincare routine बताने वाली हूँ जो मैं रोज खुद भी फॉलो करती हूँ. इस रूटीन में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है विच इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सारे स्टेप्स को करने में आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा बिकॉज सुबह उठ के बहुत काम होते हैं एंड यू वोंट बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर स्किन. सो मैं बेसिक इजी और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीजें बताने वाली हूँ विच इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर स्किन. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू ग्रैब ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी स्किन. आगे बढ़ने से पहले शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे जितने बटन है सब प्रेस कर दो. So, सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ बिकॉज मेरी बहुत बुरी आदत है, जब तक मैं बॉटल नहीं देखती मुझे प्यास नहीं लगती. सो आई मेक श्योर कि जब भी मैं सुबह सो के उठूँ मैं बहुत सारा पानी पीऊँ फॉलोड बाय द लेमन वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड. मैंने अभी तक फेस वॉश नहीं किया है बिकॉज फेस वॉश करने से पहले जो आंखों के नीचे पफिनेस है या हल्के से डार्क सर्कल्स है उसके लिए मैं एक स्टेप फॉलो करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. मैंने फ्रीजर में रात भर ये 2 स्पून रख दिए थे. नाउ बिफोर वॉशिंग माई फेस विद वाटर मैं इस तरह से इस स्पून को अपने आंखों के आसपास यूज करूंगी. दिस विल रिड्यूस द पफिनेस अराउंड द आईज और धीरे धीरे डार्क सर्कल्स भी कम होंगे. This hack is really effective if you want to reduce the puffiness around your eyes या आपको dark circles कम करने हैं. The only thing you have to do is आपको ये कुछ time तक लगातार करना है and you will yourself see the difference. Now I'll wash my face properly with normal water. मैं face wash use नहीं करूँगी. आप चाहे कितना भी अच्छा face wash use कर लो थोड़ा बहुत chemical तो सब में होता है. So मैं कभी भी सुबह उठते ही face wash use नहीं करती हूँ. In fact मैं face wash ही बहुत कम use करती हूँ. So for now मैं normal पानी से अपना face साफ करूँगी. Never rub towel on your face. Dab it softly. मैं अपने रोज वाटर के बॉटल को फ्रिज में रखती हूँ सो दैट जब मैं सुबह फेस वॉश करूँ उसके बाद ठंडा रोज वाटर फेस पे यूज कर पाऊँ. ऑल आई एम गोइंग टू डू इज टू जस्ट स्प्रे दिस रोज वाटर ऑन दिस कॉटन पैड एंड देन जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस प्रॉपरली. रोज वाटर यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये आपके फेस पे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करेगा, स्किन को कूल डाउन करेगा, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगा एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. आई फील सो फ्रेश आफ्टर यूजिंग इट. सो रोज वाटर लगाने के बाद मैं अपने बाकी काम करती हूँ एंड देन आई गो एंड टेक शावर. बट फॉर नाउ मैं शावर लेके आती हूँ और आपको आफ्टर शावर रूटीन बताती हूँ विच इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो मैंने शावर ले लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो CTM रूटीन. अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज देखी है तो मैंने उनमें भी CTM के बारे में बताया है. सो बेसिकली CTM इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरी स्किन क्लीन है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज टोनर ऑन माई स्किन. टोनर आपके स्किन के अंदर तक जाके इम्प्योरिटीज को निकालता है और ओपन पोर्स पे काम करता है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस और मैं उसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन भी मिलाऊंगी. इवन इफ आप घर के अंदर रह रहे हो तो भी सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज घर में जो ट्यूबलाइट्स होते हैं उससे भी यूवी रेज निकलते हैं विच इज वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. Now the last step, skin के साथ lips का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. So I never forget to apply lip balm. So ये था मेरा morning skincare routine जो कि बहुत ही ज़्यादा effective है for healthy skin. I hope ये video आप लोगों के लिए useful रही. I will see you in the next video. Until next time, take care.